ये एक रीजनल जो ये हल्ला बोल रैली उद्धव और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से की गई थी, उसकी एवज में आज एकनाथ शिंदे की सरकार ने एक माफी मांगो रैली भी किया था, और उसमें ये कहा गया कि देखिए संजय राउत जैसे नेता, उन्होंने अंबेडकर के बारे में विवादित बयान दिया, उसके अलावा जो सुधा अंगारे जी हैं उन्होंने राम और कृष्ण और एक समुदाय के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए, तो ये जो माफी मांगो रैली है इसका क्या औचित्य है? आपको इसका कोई लॉजिक समझ में आता है कि जिस तरीके से एक हल्ला बोल रैली के बनाम एक माफी मांगो रैली बीजेपी निकाल रही है, उसके क्या मायने हैं? उसके जब वो एक काउंटर मतलब ये मतलब काउंटर जो इफर्ट कहते हैं वो है, लेकिन ये काउंटर नहीं, रेटी में ज्यादा दम नहीं है। असल में क्या है कि बीजेपी के साथ रिपब्लिकन पार्टी और जो अंबेडकराइट गुट्स हैं ग्रुप्स हैं वो कई गुट उनके साथ हैं, तो वो जो है अब वो काफी मतलब अठौले हैं और भी जो कुछ लोग हैं, तो अठौले गुट उनके साथ है, तो वो जो है कोशिश में जो इक्वेशंस बन रहा है चुनाव के लिए आगे के समय में उसके लिहाज के हिसाब से देख करके वो एड्रेस कर रहा है, ये अंबेडकर वाली बात उठा रहे हैं वो, और वो कोशिश कर रहे हैं क्या कि जो सोशल इक्वेशंस बने आगे के चुनाव के समय में उस इक्वेशन में अंबेडकर को का नाम लेकर, और ये पूरे देश भर में भी ये कोशिश रही है कि जो दलित है उनको जो ब्रॉडर हिंदुत्व का फोल्ड है उसमें कैसे लाया जाए, कई जगह उन्होंने इसमें सक्सेस भी हासिल की है, तो ये उसी का हिस्सा है। इसका जो मराठी जो ओवरऑल मराठी प्राइड वाला जो जिसको रिप्रेजेंट कर रही है महाविकास अघाड़ी कांग्रेस एनसीपी एंड शिवसेना और जो जिन मुद्दों को उठा रही है उसका ये हमको लग रहा है कि बहुत कमजोर ये है क्या कहते हैं काउंटर है मतलब जो तो जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत कमजोर काउंटर है, तो क्या हम इसको माने कि जो बीएमसी का चुनाव जनवरी या फरवरी में जब भी होता है बिल्कुल आसपास ही आ गया है, तो क्या ये बीएमसी के चुनाव के पहले की ये सियासी हलचल है दोनों गुटों की तरफ से, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो जहां पर उनके साथ उन्होंने ये दिखाया कि देखिए हम सारे अपने अलायंस को इंटैक्ट हमने किया हुआ है, और दूसरी तरफ शिंदे अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये बीएमसी चुनाव के पहले की सियासी हलचल चल इसे समझा जाए? नहीं, मैं ये इसको सिर्फ बीएमसी के चुनाव से मत जोड़िए, ये बीएमसी चुनाव तो है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर कब्जा करना, उसकी जो उसका जो बजट है हिंदुस्तान में सबसे मतलब धनाढ्य मतलब हम संपन्न जिसको कहते हैं नगर महानगर पालिका है, और ये कई स्टेट के जो बजट है उससे ज्यादा है इसका क्या कहते हैं सिर्फ मुंबई महानगर पालिका का बजट। बीएमसी में इस बार वाकई में उद्धव ठाकरे के नाक की लड़ाई है, क्योंकि बीएमसी अभी तक शिवसेना के पास थी, और अब क्योंकि सारे एमएलएज मोस्ट ऑफ द एमएलएज आउट विद एकनाथ शिंदे, तो क्या उद्धव के लिए प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी होंगी इसमें? ये आप उद्धव के लिए भी आसान नहीं है, मैं नहीं मानता कि केक वॉक है उनके लिए शिवसेना मतलब बीएमसी को कंट्रोल करना, इसीलिए नहीं है कि जो इलेक्शन एक बात आप समझ लीजिए जो इसकी चर्चा बहुत जरूरी है, अब जब भी चुनाव के बारे में हम बात करते हैं इसकी चर्चा बहुत जरूरी है कि जो बीएमसी इसका बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कारगर है, और वो जानते हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए। दूसरा है कि उसके साथ इसकी क्या कहते हैं संघ परिवार की शाखा है, तो वो जो है ग्राउंड पे जो लड़ने का तरीका है पैसा धन बल और मनुष्य बल जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस वो उनके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए चुनाव का क्या नतीजा होगा उससे मैं इसको जोड़ के देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि उससे बात बनती नहीं है।